हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग आज तक एसडी। और मेरे साथ है आज इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर लालमणि वर्मा। और इनसे आज हम इसलिए मुखातिब हैं क्योंकि इन्होंने ये अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब चूंकि सिर्फ 1 वीक से भी कम टाइम बचा है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में, और उत्तर प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के काफी इंटरेस्ट जगा हुआ है, वो है नगीना सीट, जहाँ इस बार आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बीएसपी और बीजेपी के अगेंस्ट। और वहां से सिटिंग एमपी जो है वो 2019 में बीएसपी ने वो सीट जीती थी, क्योंकि उस वक्त बीएसपी और एसपी का अलायंस था। तो इस बार और वहां से चूंकि चंद्रशेखर आजाद ये चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी तक जितने मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद चंद्रशेखर आजाद का जो पॉसिबिलिटी जो है वो जीतने की, या फिर एटलीस्ट डेंट करने की बीएसपी के वोट बैंक को, वो काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे लालमणि सर से। लालमणि जी बताइए, आप घूम के आए नगीना में, कैसे कैसा माहौल है वहां पे? नगीना पहले की बहुत ही अननोन सी या लो प्रोफाइल कंस्टिट्यूंसी होती थी। बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे कि ये एक पार्ट है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में दो लोकसभा जाती है, बिजनौर एंड नगीना। क्योंकि नगीना एक रिजर्व सीट है फॉर शेड्यूल कास्ट, तो वहां पे कैंडिडेट ही बहुत कम होते थे। 5-6 कैंडिडेट फाइनेंशियली एबल नहीं होते लड़ने के लिए, तो बहुत कम कैंडिडेट होते थे, तो बहुत ज्यादा कोई जानता नहीं था। बट इस बार सडनली वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि एक प्रोमिनेंट फेस है चंद्रशेखर आजाद। वो भाई नेशनल मीडिया में सब जानते हैं, नेशनल वो दलित और मुस्लिम्स के इश्यूज के लिए अक्रॉस द कंट्री ट्रेवल करता था, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो और ही इज अ यंग, अभी उनके साथ यूथ भी वहां पे घूम रहा है। वो जब भी वो कहीं रैली करने जा रहा है उसके साथ बड़ा सा क्राउड आ जा रहा है, स्पेशली यूथ। उसमें उसके प्रोग्राम में 80% यूथ ही होता है। और सोशल मीडिया पे हर तरफ उसका चल रहा है। तो वहां पे मैंने जाके देखा कि जब जिससे भी अगर बात करिएगा कि भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछे कि लड़ाई किसकी है, किसके बीच में फाइट है, तो कोई बीएसपी एसपी कांग्रेस अलायंस का नाम नहीं ले रहा है। सब सीधे बोलता है कि यहाँ तो बीजेपी या फिर केतली। केतली है सिंबल आजाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर आजाद। और मैंने उसके प्रोग्राम से भी देखे कि जिन प्रोग्राम से वो जा रहा है वहां पे अच्छी खासी गैदरिंग आ रही है। इनफैक्ट एक दिन तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के जो भी सक्सेसर है मायावती के, आकाश आनंद, उनकी रैली थी। उसके नेक्स्ट डे मैंने इसके रिलेटेड प्रोग्राम अटेंड किया आजाद का। दोनों में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा क्राउड था आजाद के प्रोग्राम में, जबकि बीएसपी के प्रोग्राम में बहुत कम क्राउड आया था। तो लोगों में उसको लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि हाँ, ये कोई नया आया है, और जो थोड़ा एग्रेसिव भी है, जो थोड़ा हमारे इश्यूज को लेके वोकल होके बोल भी रहा है। बाकी उसको ये लगता, बाकी लोगों को लग रहा है कि ये बताइए लालवीर जी कि ये सीट बीएसपी ने जीता था 2019 में, और वहां पे जैसे आपने बोला कि दलित समाज का वहां पे काफी डोमिनेंस भी है, तो ये बीएसपी के, जैसे आपने बताया कि बीएसपी के रैलीज में भी कोई नहीं जा रहा है, तो वहां पे बीएसपी के अगेंस्ट जो नाराजगी है उसके रीजन को थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट कर सके तो। क्योंकि हमने अभी रिसेंट कुछ इलेक्शन में ये भी देखा है कि मायावती बिल्कुल ही आउट ऑफ एक्शन रहती है। उन्होंने इंडिया एयरलाइन से भी वो साथ नहीं दिया, उनको अकेले ही लड़ रही है चुनाव। तो ये बीएसपी के अगेंस्ट नाराजगी, और थोड़ा वेयर इज मायावती एक्चुअली, व्हाट इज शी डूइंग? ये था कि जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट जीते थे वहां पे, गिरीश चंद्र एलएमपी बने थे, उसके अगेंस्ट नाराजगी है। उनके अगेंस्ट जो नाराजगी है वो मुस्लिम्स में है वहां के, क्योंकि उनके प्रोग्राम में, आकाश आनंद की रैली में स्टेज से बोला गया कि एक बीएसपी की मुस्लिम लीडर ने स्टेज से बोला कि यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया है उसी कंस्टिट्यूंसी में, और यहाँ पे हम नया कैंडिडेट लेके आए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो उनसे नाराज थे। और वो इसलिए नाराज थे क्योंकि किसी से मिलते नहीं थे, किसी के घर जाते नहीं थे, किसी का हालचाल पूछते नहीं थे। दलित में जो नाराजगी है बीएसपी से, मायावती से, वो ये है कि अब वो साइलेंट रहती हैं, उनका फील्ड में मूवमेंट नहीं है, डायरेक्ट वर्कर्स से या पब्लिक से कोई उनका इंटरेक्शन सब बंद हो चुका है। कोई किसी भी इश्यू पे लेके कभी एग्रेसिव बोलती नहीं है। उनका जो भी स्टेटमेंट आता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को, सॉरी, बीजेपी को, एक रूलिंग बीजेपी को एक सुझाव दे रही है। कोई कोई एक्शन, कोई सड़क पे कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ होता नहीं है उनका। जबकि वही जो चंद्रशेखर है वो छोटी सी भी घटना होती है तो 100-200 लड़के लेके, 50 लड़के लेके वहां पे पहुंच जाता है, धरना प्रदर्शन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ जाता है, सब कुछ उसको परवाह नहीं, की जेल जाना है। वही आकाश आनंद ने स्टेज से बोला उस दिन रैली में कि हमें सड़कों पर नहीं जाना है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे लड़कों पे, हमारे यूथ पे, हमारे फॉलोअर्स से मुकदमा हो। तो ये जो दो अलग अलग वो है अप्रोच, पब्लिक इसको बीएसपी की सपोर्ट नहीं करती।
मैं जब मैंने बोला कि वेयर इज मायावती, मेरा सवाल ये नहीं था कि वो किधर कैंपेन करिए, मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ इलेक्शन से मायावती बिल्कुल खामोश क्यों है, वो नजर क्यों नहीं आ रही, मैं सवाल मेरा वो था एक्चुअली। देखिए धीरे धीरे उनका वोट, ये जो इनका पब्लिक से अप्रोच या कनेक्ट जो करता जा रहा है, उसका नतीजा ये होता जा रहा है कि पब्लिक में लगने लगा कि हाँ अब ये इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, ये उस पोजीशन में इनको इनको ये उस पोजीशन में दिख नहीं रही है कि बीजेपी से फाइट करें। तो नतीजा ये हो रहा है कि जो मुस्लिम हो, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। तो धीरे धीरे वो जो शिफ्ट होता जा रहा है, वो सपा का वोट बैंक बढ़ाता जा रहा है, बीएसपी का वोट शेयर कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे पूरा श्रिंक होती जा रही है मायावती का वोट बेस। अच्छा, ये बताइए कि जैसे दलित का वोट बैंक यूपी में काफी ज्यादा है, और जैसे 2019 में करीब इसी सीट पे करीब 56% वोट जो पड़े थे वो बीएसपी को ही पड़े थे। मुझे थोड़ा चंद्रशेखर आजाद के पूरे जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे इन्होंने नॉट जस्ट नगीना, बाकी पूरे यूपी में भी कैसे लोगों का इन्होंने कॉन्फिडेंस जीता, क्योंकि ये पहले जब ये नए नए आए थे इन्होंने मायावती के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मायावती ने इन्हें नकार दिया। मायावती वर्सेस चंद्रशेखर को अगर आप थोड़ा सा बता सके कि मायावती क्यों चंद्रशेखर को, बिकॉज ही कुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मायावती, तो चंद्रशेखर को मायावती ने क्यों साइडलाइन करके रखा, नजरअंदाज करके रखा, उसको थोड़ा सा अगर आप बता सके। मुझे तो जो लगता है वो यही है कि ये मायावती की जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, उनका जो एक स्टेट गाइडलाइन है कि हमें कोई सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें डिमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना है, और जो भी जीतना है, हमें जो भी जस्टिस चाहिए, वो हमें वोटिंग के थ्रू पावर में आके चाहिए। और आजाद का अप्रोच दूसरे तरीके का है, वो सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करना सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो कहीं ना कहीं बीएसपी के लोगों ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा एक थ्रेट सा लगता है बीएसपी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आके एक अल्टरनेटिव दलित लीडरशिप खड़ा हो जाए, तो लोग धीरे धीरे मायावती को भूल जाए, लोग इसी तरह शिफ्ट कर जाए। इसीलिए उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इसे हाथ मिलाया जाए। जबकि इसने आजाद ने कई बार बोला कि मैं तो बहन जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं तो उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, उनसे मिलने की, लेकिन मायावती ने हमेशा उसके अगेंस्ट में ही स्टेटमेंट दिया। आजाद समाज पार्टी एक तो नगीना सीट पे, तो खैर ये तो खुद ही कांटेस्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, यूपी में और कितने जगह पे आजाद समाज पार्टी लड़ रहे हैं, और ये फ्यूचर में अभी आपको फ्यूचर में लगता है कितना बड़ा ये थ्रेट बीजेपी के लिए हो सकता है, ये थोड़ा अगर बता अभी तो ये कहीं और कंटेस्ट करने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया नहीं है, कोई कैंडिडेट और कहीं अनाउंस नहीं किया है। जो मुझे वहां पे इनके पार्टी के लोगों ने बोला कि अभी शायद ये दिल्ली में यहाँ की सीटों पे कंटेस्ट करेंगे, हो सकता है बाद में ये ईस्टर्न यूपी या सेंट्रल यूपी सके। में कहीं करें, बट अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में, सेकंड फेज में इनका कहीं कोई और नॉमिनेशन नहीं हुआ है। बाकी जहां तक बीजेपी का है, बीजेपी का अगर कोई नुकसान हो सकता है, वो यही हो सकता है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स या फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास, जो भी चीजें दी, उससे जो इन्होंने दलित वोटर्स को जो टारगेट कर लिया था, उनसे धीरे धीरे वो सपा से या बस जो नॉन जाटो वोटर था वो बीजेपी की तरफ आ रहा था, या थोड़ा थोड़ा जो जाटो भी टूट के बीजेपी की तरफ आ रहा था, वो हो सकता है आने वाले टाइम में एक लीडरशिप में, अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप देखते हुए, वो चंद्रशेखर की तरफ जा सकता है। क्योंकि तो बीजेपी में कोई दलित लीडर, कोई प्रोमिनेंट फेस ऐसा है नहीं, किसी यूपी में भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट, इन्होंने बहुत सारे नेता रखे हैं बट किसी को प्रोमिनेंट एक फेस नहीं इन्होंने डेवलप किया। तो हो सकता है ये वो हो, बट अभी कुछ कहा नहीं सकता, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये उसका सेकंड इलेक्शन है। इससे पहले उसने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया था गोरखपुर में, बहुत ही थोड़े से वोट पाया था और इलेक्शन हार गए थे चंद्रशेखर। तो अभी कुछ कहा नहीं सकता कि कितना करेंगे बीजेपी को। बट नगीना में आपने जैसा जैसा कि आप वहां पे घूम करके देख रहे हैं, नगीना में चंद्रशेखर चुनाव जीत रहे हैं या डेंट करेंगे बीएसपी और बीजेपी को, ये अगर आप बता पाए, रीडिंग ही थोड़ा तो सा फाइट में है, हाँ फाइट में। ही इज इन फाइट, ही इज इन फाइट। और अगर वो डैमेज करेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम डैमेज वो करेंगे बीएसपी को, उनके दलित वोट्स पे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस कैंडिडेट को मुस्लिम वोट्स पे, और कुछ फैक्शन वो बीजेपी का भी कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, तो थैंक यू बीजेपी को भी अब दलित वोट मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू दारुमनी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।